नैनपुर में आज ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से नैनपुर में रेल संचालन के लिए समिति कार्यकर्ताओं के द्वारा रेलवे स्टेशन मास्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नैनपुर मंडला बालाघाट में तत्काल रेल संचालन की मांग की गई है। विगत 1.5 वर्षों से कोरोना के कारण नैनपुर जबलपुर में संचालित होने वाली ट्रेनें भी पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ 2 ट्रेनें ही इस क्षेत्र में चालू है, जिसके कारण इस आदिवासी क्षेत्र में लोगों को आवागमन की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे महाकौशल क्षेत्र में, जिसमें नैनपुर मंडला लामता बालाघाट घनसौर तिरोड़ी गोंदिया शिवनी क्योलारी में एक साथ ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति ने आज ज्ञापन सौंपा तथा तत्काल इस क्षेत्र में ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय और रेल अधिकारियों से ज्ञापन में निवेदन किया गया है। अगर समय रहते अति शीघ्र ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति तमाम जगहों पर एक साथ आमरण अनशन चालू करेगा, जिसकी जवाबदेही रेल प्रशासन की होगी। नैनपुर से न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी की रिपोर्ट। समिति पूरे संभाग में आज के दिन ज्ञापन के माध्यम से रेल प्रशासन को चेता रही है कि अगर हमारी जो पुरानी ट्रेनें जो लगातार नैनपुर से जबलपुर चल रही थी, मंडला बालाघाट जबलपुर नैनपुर मंडला, ये यहाँ के ट्रैक कंप्लीट पड़े हैं और यहाँ की जनता जो आदिवासी क्षेत्र की जनता है लगातार मांग कर रही है। कोरोना काल के समय से ये मांग चली आ रही है, चूंकि पूरे भारत में कोरोना की स्थिति बहुत अनुकूल हो गई है और तमाम जगह से ट्रेनों का आवागमन चालू हो गया है, लेकिन इस क्षेत्र में एक लंबे समय से मांग की जा रही है, उसके बाद भी ट्रेन अभी चालू नहीं हो रही। इस ज्ञापन के माध्यम से रेल प्रशासन को हम चेता रहे हैं कि मंडला जबलपुर और नैनपुर से अतिशीघ्र ट्रेनें चालू की जाए, अन्यथा आने वाले समय में हम बड़ा कदम उठाएंगे और आमरण अनशन और विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर रेल प्रशासन को जगाने कोशिश करेंगे। पूरे भारत में सारी जगह ट्रेनों का संचालन चालू है और अभी जैसे कि हमारा ट्रैक जो है कि मेन ट्रैक होता है नैनपुर जबलपुर गोंदिया, जिसमें कि कोई भी एक भी ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है और जो कि मुख्य धारा से जोड़ता है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी ट्रैक ले जाती है और उसके संचालन नहीं होने से सारे एरिए में पूरा हमारा क्षेत्र जो है विकास से पीछे होते जा रहा है। और ये ज्ञापन देने का हमारा मुख्य कारण ये है कि ट्रेनें शीघ्र से शीघ्र चालू की जाएँ। रेल संघर्ष समिति द्वारा जो आप लोगों ने ज्ञापन आपने सौंपा गया है, मैं डिप्टी एसएस चंद्रजीत सिंह, आप लोगों का ये ज्ञापन हम उच्च अधिकारी तक पहुंचा देंगे और जल्द से जल्द जैसे ही हमें आदेश मिलता है ट्रेन प्रारंभ होने का, हम आप तक इस सूचना को आप तक पहुँचा